हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक पक्का बीघा में कितना वर्ग चैन होता है, कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग गज होता है और कितना वर्ग मीटर होता है। तो वीडियो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी बात समझ में आए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पक्का बीघा, यानी एक पक्के बीघे में कितना कच्चा बीघा होता है, ठीक है, कितना कच्चा बीघा हुआ है, कितना वर्ग जरीब होता है और कितने वर्ग मीटर या आप कह सकते हैं वर्ग फुट गज, ये सब वैल्यू आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, एक हम पक्का बीघा की बात करते हैं, एक पक्का बीघा जो होता है, ठीक है, एक पक्का बीघा जो होता है ये आपका एक जरीब वर्ग होता है। पहली बात, एक जरीब वर्ग होता है, एक वर्ग जरीब कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, एक वर्ग जरीब, एक वर्ग जरीब। अब बहुत से फ्रेंड्स ये नहीं समझ पा रहे हैं एक वर्ग जरीब का मतलब क्या होता है। देखिए, एक जरीब वर्ग का मतलब ये हो गया आपका कि एक जरीब आपकी लंबाई हो और एक जरीब आपकी चौड़ाई हो, यानी यहाँ से लेकर एक जरीब, यानी एक चैन हो आपकी और ये भी आपकी एक क्या हो, एक चैन यानी जरीब हो। इसका अगर दोनों का गुणा करेंगे तो एक वर्ग जरीब आता है। अब कुछ फ्रेंड्स जरीब के बारे में नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए, जरीब बेसिकली तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी शाहजहानवी जरीब, एक होती है गंटर जरीब और एक होती है मानक जरीब, ठीक है। तो एक पक्का बीघा जो होता है, एक जरीब आपकी अगर हम बात करें तो इसमें जो शाहजहानवी है, जो शाहजहानी, ठीक है, शाहजहानी जरीब, ये जरीब जो होती है इसमें क्या होता है कि 165 फीट की होती है, ठीक। इसमें अगर हम तीन से भाग कर देते हैं, तीन से भाग यानी इसको हम गज में बदल देते हैं, क्योंकि एक गज बराबर आपका 3 फुट होता है, तो ये आपकी कितनी आ जाती है, 55 गज की आ जाती है, ठीक है। अब वहीं एक जरीब और होती है जो जिसमें 100 कड़ियां होती हैं, वो होती है गंटर जरीब, ठीक है, गंटर, एडमंड गंटर नाम के एक ब्रिटिश जो जिन्होंने इसको खोजा था उनके नाम पर ये बनाई गई थी गंटर जरीब। इसमें क्या होता है कि ये कितने की होती है, 66 फीट, ठीक है, 66 फीट की होती है। वैसे बेसिक तो 132 की थी, लेकिन इसको क्या कर दिया गया था, 2 से भाग कर दिया गया था, ये हो जाएगी आपकी कितना, 66 फीट की, ठीक है। तो इसको क्या किया, 66 फीट, और ये होती है 22 गज की, ठीक है। पहले ये बनाई गई थी, जो ये बनाई गई थी 132 फीट की, बाद में इसको आधा कर दिया गया और इसको 66 फीट और 22 गज का कर दिया गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पक्के बीघे की हम बात कर रहे हैं, तो पक्के बीघे में आपका जो यूज होती है जरीब, शाहजहानवी जरीब होती है, और एक शाहजहानवी जरीब जो होती है वो होती है आपकी कितना होती है, 165 फीट की, ठीक है। और इसको अगर गज में बदलते हैं तो ये हो जाती है आपकी 55 गज, यानी एक पक्का बीघा जो होता है वो होता है आपका एक, यानी 55 गज का, यानी ये 55 गज की एक जरीब, यहाँ भी 55 गज की एक जरीब, इन दोनों का अगर गुणा कर लिया जाता है तो एक जरीब के बराबर, यानी एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा अगर आपका कोई खेत है तो आपका कितना हो जाएगा, एक पक्का बीघा हो जाएगा। अब यहीं हम बात करते हैं कितने कच्चे बीघे होते हैं, तो इसमें 3 कच्चा बीघा होता है, ठीक है, कच्चा बीघा जो होता है, एक पक्का बीघा 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसको हम बात करते हैं किसमें, एक जरीब वर्ग मीटर, यानी एक जरीब एक पक्का बीघा 20 बिस्वा के भी बराबर होता है, कितना, 20 बिस्वा के बराबर, ठीक है, 20 बिस्वा के बराबर होता है। और एक पक्का बीघा को यदि हम क्या वर्ग फुट में चेंज करना चाहें तो एक जरीब, अरे एक जरीब का जो मान होता है कितना वर्ग फुट होता है, ये आपका होता है कितना, 1361.25 वर्ग फुट होता है, ठीक,
तो ये बात समझ में आई होगी, एक बिश्वा बराबर, ठीक है, एक बिश्वा बराबर कितना होता है, एक बिश्वा बराबर, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपका एक बिश्वा में कितना वर्ग फुट होता है। तो एक बिश्वा में 1361.25 वर्ग फुट होता है। अगर बिश्वा की जगह ये टोटल वैल्यू रख दी जाए और इसका गुणा कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 1361.25, तो ये बराबर हो जाएगी आपकी 27,225 वर्ग फुट के बराबर। यानी एक बीघा जो होता है वो आपका 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर ये आपका वर्ग फुट में है तो इसको वर्ग गज में भी आप यदि निकालना चाहते हैं वर्ग गज में, तो देखिए एक फुट बराबर क्या होता है, यानी अगर हम गज की बात है तो एक गज बराबर आपका 3 फुट के बराबर होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक वर्ग गज का स्क्वायर बराबर अगर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 वर्ग फुट, ठीक है। तो वर्ग फुट की जगह 9 से भाग कर देंगे, यानी इस टोटल वैल्यू में 27,225 में यदि आप 9 से डिवाइड कर देते हैं तो ये किसमें, वर्ग गज में चेंज हो जाएगा। यानी अगर इसको हम भाग करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3,025 वर्ग गज, ठीक है। क्योंकि एक जरीब आपका यहाँ पक्का बीघा में है, तो अगर 55 × 55 करते हैं, यानी 55 × 55 करते हैं तो भी आपका 30-25 यानी वर्ग गज आने वाला है। तो ये अगर इसमें 27,225 में 9 से भाग भी कर देंगे आप, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3,025 वर्ग गज, ठीक है। यानी एक पक्का बीघा जो आपका एक वर्ग जरीब के बराबर होता है, एक जरीब लंबा, एक जरीब चौड़ा, और एक पक्का बीघा 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है, और एक पक्का बीघा 20 बिश्वा के बराबर होता है, और एक पक्का बीघा जो होता है 27,225 वर्ग गज के बराबर होता है, सॉरी फुट के बराबर होता है, 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है, और एक पक्का बीघा आपका 30,025 यानी 3,025 वर्ग गज के भी बराबर होता है। अब देखिए, अगर इसको आप वर्ग गज को वर्ग मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर आप लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 0.1089, ठीक है, 3, 2। तो ये आप अगर इसको डिवाइड करेंगे वर्ग गज में तो ये आपका, अगर इससे गुणा करेंगे 1.9 × इसको 8.35 / 1.09853, जो भी ठीक है, इसका मान अगर इसको भाग कर देते हैं 3025 में तो इसका अगर भाग करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो आने वाली है वो कितना आने वाली है, यानी आपका आ जाएगा 2530 वर्ग मीटर। यही बात आपको हम बता रहे थे कि कभी कभी हमने 25 लिया था, ठीक है, तो यहाँ मीटर की वैल्यू को इधर पूरी तरह से पॉइंट तक ले जाने के बाद ही जो कि मान आता था, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट का वैल्यू पूरा नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ पे जो 30 आ जाती थी ना, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी 2530 वर्ग मीटर भी होता है एक पक्का बीघा में, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, यानी एक पक्का बीघा जो होता है आपका एक वर्ग जरीब के बराबर होता है। हम ये सारी वैल्यू जो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बात कर रहे हैं, ये आपको नेपाल की वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी आपको प्रश्न बन सकते हैं। यानी एक पक्का बीघा बराबर एक वर्ग जरीब, 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है, 20 बिश्वा के बराबर होता है, और 27,220 वर्ग फुट के बराबर होता है, और 3025 वर्ग गज के बराबर होता है, और ये आपका कितना होता है 2530 वर्ग मीटर के बराबर भी होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर।